सजेशन है सेल योर नॉलेज. पब्लिक स्पीकर्स इंफॉर्मेशन सेलिंग के बिजनेस में है. पुराने ज़माने में 1970 1980 में, इनफैक्ट 1950 से लेकर 1990 तक बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में थे और इंडियन सेटअप में थे, इन्होंने अपनी कॉम्पैक्ट सीडीज और कैसेट्स बेच करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सेल करना शुरू करा. कुछ लोगों ने तो टेली सेमिनार भी करा जिसमें टेलीफोन पे सेमिनार्स हुआ करते थे, जो कि अब नया रूप ले चुका है. उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन आज की डेट में आप कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को सेल कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ. वो है वाईफी, WIFEY, WhatsApp, Instagram, Facebook, Email and YouTube. वाईफी प्रिंसिपल के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ईजिली आज की डेट में सेल कर सकते हैं. सेकेंड है गेट स्पॉन्सरशिप. आज भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो CSR के रूप में बहुत सारे स्पीकर्स को हायर करती हैं और उन्हें स्पॉन्सर करती हैं अलग अलग इवेंट्स पे बोलने के लिए. अमूमन हम कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत सारे स्पीकर्स जिनको हायर किया जाता है वो स्पॉन्सर्ड होते हैं फ्रॉम वन कॉर्पोरेट. सो दिस इज माई सेकेंड सजेशन ऑफ गेटिंग स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट. गेट डायरेक्टली पेड बाय क्लाइंट. आपको बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटीज, बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स डायरेक्टली इन्वाइट कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे. इसके लिए आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, आप कंपनीज की एक्सपेक्टेशन को मैच करके हायर किए जा सकते हैं. कंपनीज यूजुअली 50% 70% और 100% एडवांस भी देती है ताकि आपको पहले ही एडवांस में बुक कर लिया जाए. मैं रेगुलरली इस थर्ड सजेशन पे काम करता हूं और अक्सर मैं अलग अलग स्पीकिंग गिग्स पे इन्वॉल्व रहता हूं. नेक्स्ट इज स्पीकर ब्यूरो. स्पीकर ब्यूरोज में भी आप जा करके अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं. बहुत सारे पॉपुलर स्पीकर ब्यूरोज आज अवेलेबल हैं, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट. स्पीकर ब्यूरोज के साथ आप जो अपना प्रोफाइल रजिस्टर करते हैं उसमें दो तीन क्राइटेरियाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. वो है कि एक तो आपकी पॉपुलैरिटी रीजनेबल होनी चाहिए, दूसरा आप एक सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपने साथ ब्यूरो में ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि उनकी भी क्रेडिबिलिटी आपके साथ जुड़ी होती है. यूजुअली 15-20% या 25% तक का उनका टेक होता है जो आपके टोटल फीस होती है. यानी कि 1,00,000 रुपये है तो 25,000 रुपये ब्यूरो लेता है आपको स्पीकिंग देने के लिए. लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जब जितना ज़्यादा अमाउंट हाई होता है कभी कभी ब्यूरोज अपनी फीस को भी बढ़ा लेते हैं या फिर उनका टेक भी बहुत हाई हो जाता है. अगर 1,00,000 रुपये फीस है, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्पीकर्स की है, तो 25,00,000 रुपये भी उनकी इनकम हो सकती है आपकी फीस से. तो अमूमन ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा आपकी फ़ीस है उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होती है. लेकिन स्पीकर ब्यूरोज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जाना कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी क्रेडिबल प्रोफाइल होनी ज़रूरी है. ऑफ कोर्स आपका स्पीकिंग एक्सपीरियंस, आपका स्पीकिंग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है. तो बहुत सारे प्रोफेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, जो कि इंडिया में इस समय काफ़ी कम है, वही स्पीकर ब्यूरोज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वे ऑफ अर्निंग फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग इज ओपन पब्लिक सेमिनार्स. बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस आज की डेट में ओपन सेमिनार्स करते हैं. फेसबुक पे एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड आती है, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट आती है और अपने सेमिनार्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो डालते हैं, ग्राफिक डालते हैं, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो जाती है. बहुत सारे लोग इस पब्लिक सेमिनार्स को चार्ज करते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं. तो ये भी एक तरीका है, आप डायरेक्ट पब्लिकली अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं विद इन द फिजिकल सेमिनार. और बहुत सारे लोग ऐसा भी फॉलो करते हैं कि स्टार्टिंग में वो अपने सेमिनार की फीस काफ़ी कम रखते हैं, छोटा अमाउंट रखते हैं ताकि लोग ज़्यादा आ जाए, और फिर वहीं से स्टेज से अपना जो प्रीमियम प्रोग्राम होता है सेमिनार का या कोर्स का, उसे सेल कर देते हैं. उसमें वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं. आजकल वेबिनार का ज़माना है, अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक्स पे पब्लिक स्पीकिंग करके, प्रोफेशनल स्पीकिंग करके वेबिनार से भी काफ़ी अर्न करते हैं. कुछ लोग डायरेक्टली वेबिनार करके अपने प्रोग्राम्स को सेल करते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली वेबिनार से ही अपनी अर्निंग करते हैं. आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी ऐसे हैं जो वेबिनार के थ्रू अलग अलग स्पीकर्स को हायर करवाते हैं और अलग अलग वीडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू उन्हें पेमेंट भी करते हैं. वेबिनार मॉडल एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और वेबिनार मॉडल के बारे में द वेबिनार मॉडल आप रसल ब्रंसन की किताब है द एक्सपर्ट सीक्रेट्स उसमें पढ़ सकते हैं. उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपना वेबिनार मॉडल क्रिएट करना हो एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, तो आप भी बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं. माई नेक्स्ट सजेशन फॉर यू इज ट्रेनिंग कंपनीज. हिंदुस्तान में बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज हैं, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे भी, जो कि अलग अलग स्पीकर्स को, ट्रेनर्स को हायर करती हैं. ये एक रीजनेबल अमाउंट देती हैं आपको और रेगुलर असाइनमेंट अगर आपका मिलना चालू हो जाए तो आपकी एक रेगुलर इनकम बहुत आसानी से बन सकती है.
बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज ऐसी भी हैं जो अप्रेंटिस पे भी ट्रेनर्स और स्पीकर्स को हायर करती हैं। आजकल इंडिया में जो डिमांड है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पब्लिक स्पीकर्स भी बहुत सारे ट्रेनिंग कंपनीज के द्वारा हायर किए जाते हैं 1 day या 2 day या 3 day के असाइनमेंट पे। ये वाला सजेशन ना मेरा बहुत फेवरेट है, स्पीक फॉर फ्री टू प्रमोट योर बिजनेस। जैसे कि हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी सी चखाता है ना, ऐसे ही आप भी अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज थोड़ी सी चखा दीजिए ऑडियंस को, और ऑडियंस आपकी दीवानी हो जाती है। आपको पूरा का पूरा कोर्स या पूरा का पूरा सेमिनार देने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 35-40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बोलिए, और उसके बाद जो ऑडियंस में लोग बैठे होंगे वो भी आपके डायरेक्ट क्लाइंट बन सकते हैं, या फिर जो ऑडियंस में लोग बैठे होंगे वो अपने कॉर्पोरेट के लिए या अपनी कंपनी के लिए या अपने किसी नेटवर्क के थ्रू किसी लिंक के लिए भी आपको हायर कर सकते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कहीं कॉर्पोरेट में लेक्चर देता हूँ और वहाँ पर डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होती है, वो हमेशा आ करके मुझे 2 या 3 रेफरेंस दे देती है, जिससे कि मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करता हूँ और उसमें से जो एवरेज कन्वर्जन है वो 1 या 2 क्लाइंट्स का हो जाता है। तो स्टार्ट स्पीकिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फ्री, ये स्पेशली उन प्रोफेशनल स्पीकर्स के लिए भी है जो अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनल स्पीकिंग एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है जब आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल डिविजन्स में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स में अपनी ट्रेनिंग डिलीवरी करते हैं, है ना, वो भी प्रोफेशनल स्पीकिंग। आपको कंपनी एक फिक्स रेन्यूमरेशन पे हायर करती है, फिक्स पैसे मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकिंग के प्रोफाइल को भी हायर करती हैं, क्योंकि अमूमन बहुत सारी लीडरशिप टीम्स जहाँ पे सेल्स टीम मार्केटिंग टीम होती है उन्हें भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की रेगुलरली जरूरत पड़ती है। माई नेक्स्ट सजेशन इज टू कोलैबोरेट विद इवेंट कंपनीज। आजकल बहुत सारी ऐसी इवेंट कंपनीज है जिनकी अपनी एक फिक्स क्लाइंटेल है, वो उनका पूरा का पूरा एक्टिविटी ईयरली कैलेंडर, अलग अलग एक्टिविटीज़ लाइक उनका ट्रैवल, उनका फॉरेक्स, उनका कोऑर्डिनेशन फॉर सैलरी और उनकी अदर सर्विसेज को आउटसोर्स करके मैनेज करती हैं, जिसमें से ये सर्विस भी होती है कि जब उस कंपनी के अंदर कोई भी प्रोफेशनल स्पीकर चाहिए हो तो उन्हें वो भी हायर करके देना होता है। तो आप अपनी इवेंट कंपनीज़ के साथ भी कॉन्टैक्ट अच्छे रखिए, वहाँ से भी आपको रेगुलरली काम मिल सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा है तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो काम आपको रेगुलरली आप ही के पास आएगा। इस प्रोफाइल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और इंडिया में बहुत सारे लोग इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं। स्पीकिंग एज एन इंडिपेंडेंट एंकर, इसमें आप अलग अलग कॉर्पोरेट गिग्स में एज एन एंकर प्रोफेशनल स्पीकिंग करके पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि सोशल फंक्शंस की स्पीकिंग के लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत ही कम समय आपको बोलना होता है। तो स्पीकिंग एज एन इंडिपेंडेंट एंकर इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन फॉर योर प्रोफेशनल स्पीकिंग अर्निंग। ये वाला मेरा एक और फेवरेट ऑप्शन है। अगर आप प्रोफेशनल स्पीकिंग में आना चाह रहे हैं, स्टार्ट योर जर्नी एज अ यूट्यूबर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पीकर। इस जर्नी में मैंने बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्पीकर्स को देखा है जो पहले यूट्यूबर थे और आज यूट्यूबर बनने के साथ साथ वो एक कॉरपोरेट ट्रेनर और प्रोफेशनल स्पीकर भी बन गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको भी पता होंगे, मुझे भी पता है, बस मकसद ये है बताने का कि अगर आपने अपनी जर्नी एज अ यूट्यूबर स्टार्ट करनी है, आप अपने वीडियोस बना करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सेल कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि गोइंग फॉरवर्ड आप एक प्रोफेशनल स्पीकर भी बहुत जल्दी बन पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी कम्युनिटी ऑनलाइन डेवलप हो जाएगी, लोग आपके वीडियोस देखेंगे और जो लोग बोलते हुए दिखते हैं ना वो जल्दी बिकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये 12 सजेशंस जो मैंने आज आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो में दिए हुए सजेशंस पसंद आए हैं, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट बनता है, और इस चैनल को अगर आप पहली बार देखने आए हैं सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि रेगुलरली जब मेरे वीडियोस आएँ तो आपको सबसे पहली बार पता लग जाए। फ्रेंड्स, आप प्रोफेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि बोलना हम सबको एज अ गिफ्ट मिला है, लेकिन कब, किसके सामने, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है, यही होता है प्रोफेशनल स्पीकिंग। और धीरे धीरे जब इस आर्ट को आप समझ जाते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपके स्किल के अकॉर्डिंग आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस योर वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं।